और कई जगहों पर अलर्ट जारी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल्स को भारत रत्न पद्म अवार्ड दिलाने की मुहिम दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा अगले हफ्ते हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। इराक के सलाउद्दीन में आतंकी हमला 8 की मौत। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 3:30 बजे होगा रिलीज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर तासर के जंगल में आतंकी छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की अभी तक वहीं पहचान नहीं हो पाई है। तो मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि आतंकी छिपे हुए हैं तासर के जंगलों में। इस बात की सूचना लगते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दो आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों की अभी तक वहीं पहचान नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। बीते 3 दिन से यहां पर लगातार बारिश हो रही है और इससे अब तक 21 लोगों की जान चली गई। इनमें सड़क हादसे भी शामिल हैं। वहीं सिरमौर में लैंडस्लाइड के चलते जहां पावंटा शिलाई हाईवे बंद हो गया, वहीं मंडी के में कार पार्किंग का शेड गिर गया। इसमें कारों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लाहौर स्पीति में भी बारिश जारी है। 221 के करीब टूरिस्ट फंसे हुए हैं जिन्हें मौसम साफ होने पर एयरलिफ्ट किया जाएगा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर का लाहौर का हवाई दौरा बारिश और मौसम खराब होने के चलते रद्द हो गया है। बता दें कि पावंटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 भूस्खलन के बाद ठप हुआ है। नेशनल हाईवे पर हुए भूस्खलन का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस दौरान जैसे ही पहाड़ खिसकने लगा, यहां लोगों ने भागकर जान बचाई। हाईवे से गुजर रही बिजली लाइनें भी टूटने के बाद जहां क्षेत्र में बिजली गुल हुई और मौजूद लोग भी करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। हाईवे ठप होने के बाद अब मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हुई है। मौसम की वजह से देश भर में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है तो कहीं बादल फटने से जनहानि हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं यूपी में भी कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में बारिश की प्रबल संभावना है। तो बारिश एक बार फिर मानसून ने दस्तक दे दी है और जिसको लेकर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते आवागमन भी ठप हो जाता है। वहीं बाढ़ की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा उत्पन्न हो जाती है।
तो कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र का इलाका ऐसा है जहां पर काफी मात्रा में पानी है और उसके साथ ही मॉनसून जैसे ही आता है वैसे ही बाढ़ की संभावना है, जो छोटे इलाकों हैं वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस समय बाढ़ की संभावना हो जाती है, कई गुना ज्यादा पानी भर जाता है जिससे पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश जो है वो लगातार दस्तक दे रही है। हालांकि लोगों को राहत मिली है बारिश के चलते, जो गर्मी है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो बाढ़ की समस्या है, जल भराव की समस्या है, वो मॉनसून आते ही उत्पन्न हो जाती है और इसी का खतरा एक बार फिर मंडराने लग गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पहाड़ों पर तेज बारिश से दिल्ली में यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिस वजह से यमुना के पानी का बहाव तेज होता गया और राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर जाते ही सभी बचाव कार्य के लिए जुटी टीमें अलर्ट हो गई हैं। यमुना के मैदानी इलाके में रह रहे लोगों को वहां से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में नौकाओं को भी तैनात किया गया है। तो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है जिसको लेकर खतरा बना हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं कि जल भराव की समस्या किस तरह उत्पन्न हो रही है। वहीं यमुना के पास जो झुग्गी झोपड़ी या जो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको तत्काल वहां से हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। टीमें अलर्ट पर हैं क्योंकि लगातार चेतावनी के निशान से ऊपर गंगा का जलस्तर बढ़ने लग जाता है और जब यह होता है तो अलर्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी को लेकर आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे आने जाऊंगी, लगातार जो जलस्तर है यमुना का वो बढ़ रहा है, पानी छोड़ा जाएगा तब भी समस्या उत्पन्न होगी और नहीं छोड़ा जाएगा तब भी खतरा मंडराता रहेगा। बताना चाहूंगा कि दिल्ली में हर साल अमूमन जो है वो बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है क्योंकि हरियाणा में जो हथनी कुंड है वहाँ पे हरियाणा को बाढ़ से बचाने के लिए, क्योंकि हरियाणा जो है इतना बड़ा राज्य नहीं है और वहाँ पे बाढ़ से और ज्यादा हालात ना खराब हो, इसलिए हथनी कुंड में से जो दिल्ली की तरफ जो है वो पानी छोड़ा जाता है। तो लगातार काफी दिनों से, 3-4 दिनों से जो पानी जो है वो हरियाणा की तरफ से जो है वो दिल्ली की ओर जो है बढ़ाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है और लाखों क्यूसेक की संख्या में पानी छोड़े जाने की संभावना एक्सपर्ट ने बताई है कि लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है। ऐसे में यमुना स्तर का जो जलस्तर है वो लगातार जो है वो खतरे के निशान से यमुना नदी जो है वो बह रही है, जिस कारण दिल्ली में जो है वो बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लगातार हर साल ये देखने को मिलता है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी हाल में तस्वीर देखी गई थी कि दिल्ली में जगह जगह कई रिहायशी इलाके जो है वो पानी से डूबे हुए नजर आए थे। जी शहबाज खान, और साथ ही साथ ये भी हम देख रहे हैं कि हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ जो 1,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसके बावजूद भी खतरा बना हुआ है क्योंकि मॉनसून ने अभी दस्तक दी है और लगातार बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के बाद जल भराव और भी ज्यादा होगा, यमुना का पानी और खतरे के निशान से ऊपर बहना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर अब टीमें अलर्ट हो गई हैं, लेकिन क्या कुछ किया जा रहा है उन टीमों के द्वारा, कौन से सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो जलस्तर पानी का बढ़ रहा है और हथनी कुंड की तरफ से जो पानी जो छोड़ा जा रहा है इधर यमुना नदी में, लाखों क्यूसेक पानी जो छोड़े जाने की और भी अभी ये भी संभावना है कि अभी और भी छोड़ा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मानसून सर पर है और लगातार भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग भी हर राज्य में अलर्ट जारी कर रहा है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, लगातार हर जगह भारी बारिश क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है, इससे जलस्तर और भी बढ़ने की संभावना है। तो जिस तरीके से यमुना का स्तर अभी खतरे के निशान से ऊपर ही चल रहा है तो इसको देखते हुए जो सरकार की तरफ से जो टीमें लगाई गई हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि वो जो पानी के आसपास, यमुना नदी के आसपास जो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं या जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जो प्रशासन ने पहले ही ये आदेश दे दिया है, और साथ ही अगल बगल इलाकों में जो नाव से भी सेना वो
लोग सुरक्षित टीमों को लगाया गया है ताकि अलर्ट पे रहें, और टीमें जो हैं वो नाव से जा जाकर लोगों को आगाह कर रही है, और किसी को भी पानी में न जाने की इस टाइम जो है जो मछुआरे हैं उन लोगों को भी न जाने से मना किया गया है। तो दिल्ली में जिस तरीके की तैयारी देखी जा रही है वो सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिया, जिसको देखते हुए टीमें अलर्ट हो गई है इस टाइम। बिल्कुल शहबाज, लेकिन मानसून ने इस बार देर से दस्तक दी है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था उसकी समय अनुसार बारिश नहीं हुई, देर से दस्तक दी है, लेकिन क्या लगता है कि अभी और कितने दिन तक ये बारिश का अनुमान जो है वो जारी रहेगा, और कितने दिन तक ये जो चेतावनी है वो जारी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम का भी कुछ, मानसून का कह नहीं सकते कि अभी और कितने दिन बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मानसून थोड़ा लेट हुआ, बारिश थोड़ी सी रुक रुक कर हुई, कभी हुई, और उसके बाद अब जो बारिश लगातार कुछ दिनों से कई प्रदेशों में और कई राज्यों में जैसे जिस तरीके से देखी जा रही, जिसके चलते कहीं लैंड स्लाइडिंग और जल भराव जैसी स्थिति बिहार महाराष्ट्र में तो काफी बुरे हाल हो गए थे, और भी राज्य हैं जहाँ पे जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो दिल्ली में भी इस तरीके का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया, इसलिए मौसम विभाग ने भी कई जगह येलो और रेड अलर्ट जारी कर रखा है। कहीं किसी राज्य में 4 अगस्त तक का ये है, तो कहीं 6 अगस्त तक का है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के गाइडलाइंस जो है मौसम विभाग द्वारा जारी की गए। फिलहाल 1 हफ्ते के अलर्ट पे सारे राज्यों को रखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश की जो संभावना, क्योंकि अगस्त में भी मानसून जो है वो अपने चरम पे रहता है, जुलाई अगस्त का मौसम जो है वो मानसून वाला मौसम है, इसलिए सभी को अलर्ट पे रखा गया है, सारी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। शहबाज, और जरूरी हो जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया है, और जैसे ही मानसून आता है वैसे ही बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। हालांकि हथनी कुंड बैराज से भी कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे खतरा जो है वो यमुना नदी स्तर का जो और भी ज्यादा चेतावनी के निशान से जब ऊपर बहने लग जाता है तो टीमें अलर्ट कर दी जाती हैं, और टीमें इस वक्त भी अलर्ट कर दी गई हैं। जो मैदानी इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित किसी और स्थान पर पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। वहीं बढ़ते हैं आगे, केरल में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है, दिन ब दिन यहां पर केस बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में लगातार चौथे दिन 20,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। इसी वजह से यहां सख्त वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जो आज यानी कि 31 जुलाई को लागू हो रहा है। यहां पर बंदी 2 अगस्त तक जारी रहेगी। माना जा रहा है कि पिनरई विजयन सरकार के इस फैसले से राज्यों में कोरोना के संक्रमण की कड़ी टूटेगी। केरल में तेज टीकाकरण अभियान के बावजूद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 13.61% हो गया है। इसी वजह से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में सख्त वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। तो केरल में कोरोना का कहर एक बार फिर मंडराने लग गया है। जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में 22,000 से अधिक केसेस जो थे कोरोना में डिटेक्ट किए गए थे, तो पॉजिटिविटी दर जो है वो बढ़ गई है, और पॉजिटिविटी दर बढ़कर 13.61% पर पहुंच गई है। लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, सख्ती बढ़ती जा रही है। केरल जैसे अगर राज्य की बात करें तो लगातार वहां पर सख्ती बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी जो पॉजिटिविटी दर है वो बढ़ रही है, और हर बार ये देखा भी गया है कि केरल से ही कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू होते हैं। और एक बार फिर से जिस तरह से केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, खतरा पूरे देश पे मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं एकाएक केसेस में जहां थम गए थे, कमी आई थी, वो एक बार फिर से उछाल मारने लग गए हैं, जिसको लेकर पिनराई विजयन ने राज्य में सख्त वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। यानी कि अब 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन लगेगा और उसे सख्ती से पालन करना होगा। वहीं बढ़ते आगे, यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार अब बस कुछ ही घंटों का है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट नतीजों की घोषणा 31 जुलाई यानी कि आज दोपहर 3:30 के बाद कर दी जाएगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 को लेकर परिषद के अध्यक्ष और शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2021 और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2021 की घोषणा एक साथ की जाएगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 की तारीखों का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएमएसपी 10वीं रिजल्ट और यूपीएमएसपी 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं। तो कोरोना के चलते जहां रिजल्ट जारी करा जाएगा, तो लोगों को इंतजार है कि किस मानकों पर अंक दिए जाएंगे, और बच्चों को भी इंतजार है, क्योंकि आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है। हालांकि एग्जाम नहीं हुए थे, लेकिन
रिजल्ट को लेकर अभी भी लोगों के अंदर ये है कि किस तरह से रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। 3:30 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे, 10वीं और 12वीं के रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाएंगे। उसके बाद तब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर बच्चे चेक कर सकते हैं अपने इस रिजल्ट को। कोविड की तीसरी लहर को लेकर लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कोरोना महामारी के कारण बच्चे लंबे समय से स्कूल से दूर हैं। तीसरी लहर की आशंका के साथ बच्चों को भी वैक्सीन देने की बात उठने लगी है। राहत भरी बात यह है कि बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए दूसरी डोज देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे बच्चों के लिए टीका जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है। ट्रायल के दौरान पहले किशोरों को टीका देकर सुरक्षा का आकलन किया गया था। इसके बाद 6 से 12 साल की आयु के बच्चों और अंत में 2 से 6 साल के बच्चों को टीका दिया गया। वहीं ट्रायल का काम पूरा हो गया है। तो लगातार तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर मंडरा रहा था, उसी को देखते हुए बच्चों पर टीकाकरण ट्रायल जो था वो किया जा रहा था। तो 3 मानकों में ये टीकाकरण ट्रायल किया गया। बच्चों की उम्र के हिसाब से उनको टीका दिया गया था और ये ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। आपको बता दें सबसे अहम बात है, तो पहले ट्रायल के दौरान किशोरों को टीका देकर सुरक्षा का आकलन किया गया कि जो किशोर है, बच्चे हैं किशोर अवस्था के, उनके अंदर टीके किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके बाद 6 से 12 साल के आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण दिया गया। उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों पर टीकाकरण का ट्रायल किया गया। तो वहीं ट्रायल का काम हाल फिलहाल में पूरा हो गया है और जल्द ही तमाम राज्यों की सरकारें अब बच्चों को टीका से लैस करने के लिए अभियान शुरू करेंगी, जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, मास्क लगाए रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।